तरह से हमारा जो है एनवायरमेंट, तो इस तरह से हमारा एनवायरमेंट जो है ना वो गंदा होना शुरू हो जाएगा, सारे छिलके, सारे जो वेस्ट मटेरियल्स वो सब ऐसे अगर पड़ा रह गया तो इस सब को क्लीन करने के लिए एक बड़ा हाथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया, फंगाई और बाकी सारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को, जैसे कि आपका ये पेड़ पौधे या फिर मरे हुए जीव जंतु या फिर क्या कहते हैं फल वगैरह के छिलके वगैरह, इन सबों को गला देते हैं, उन सबको खुद खाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो खाने के बाद प्रोसेस करने के बाद बाहर निकालते हैं वो ऐसे सिंपल सिंपल सब्सटेंस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, जिससे फायदा ही होता है एनवायरनमेंट को। जैसे कि उससे आप वो खाद बना देते हैं, मैन्यूर बना देते हैं, तो क्या होता है वो कचरा भी हमारा प्रोसेस हो गया और बदले में हमें अच्छी चीजें भी मिल गई, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है किसी चीज को सड़ाने का, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब सड़ाना, कम कर देना किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए लिख रखा है इन्होंने, डू यू नो बायो रिमेडिएशन, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी ऐसा चीज है ना जो कि गला जा सकता है, जो सड़ा जा सकता है, उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, एक जगह पे डंप यार्ड में फेंक देते हैं और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं ताकि सबको वो गला कर खत्म कर दे। उससे क्या होता है, एनवायरमेंट को फायदा ही होता है, ये सारा पॉल्यूशन जो है वो सब खत्म हो गया जो वेस्ट मटेरियल था, और उसके बदले में हमें खाद भी मिल गई। आगे देख ले क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ये लिखा हुआ पैथोजेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, ठीक है। वो सारे पैथोजेंस ही थे जिससे हमें टीबी हो गया, जिससे हमें टाइफाइड हो गया, बाकी सारी बीमारी हो गई, है ना। और क्या करते हैं, खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बॉडी में ही खराब करें, हमारे खाने को खराब कर दें तो भी पैथोजेंस कहलाए, है ना। या फिर हमारे कपड़ों को खराब कर दिया, लेदर को खराब कर दिया, तो भी पैथोजेंस कहलाए, है ना। और क्या काम कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, देख लिए कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस पैदा कर सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया पैदा कर सकता है, हवा के जरिए फैल सकता है वो, और क्या कर सकता है, इसको रोके जाने के लिए क्या किया जा सकता है, आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, वैक्सीनेशन एट सुटेबल एज। इसको रोकने के लिए अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस को रोकना है तो क्या करना होगा, जिस पर्सन को टीबी हो गया है उससे जरा दूर रहिए और वैक्सीन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अपनी एज में जो भी बचपन में उनकी एज है उस एज में उन्हें वैक्सीन दे दिए, वो चीज दे दिए ताकि उसमें जो है उनकी बॉडी में लड़ने की क्षमता आ जाए टीबी से। नेक्स्ट है आपका मीजल, किससे होता है, वायरस से और हवा में फैलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स किस चीज से होता है और इलाज वही है इसका जो पहले बताया था मैंने, मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर से होता है कंटेमिनेशन, छूने से भी होता है, पोलियो वायरस से होता है, छूने से हो सकता है पोलियो, ठीक है, हवा से भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कोलेरा, बैक्टीरिया से होता है, किस चीज से फैल सकता है, वाटर से फैल सकता है या फूड से भी फैल सकता है, फूड के अंदर हो ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से कोलेरा हो जाए, ये भी चांसेस है। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा खाना खाइए, साफ सुथरे हाथ पैर रखिए, है ना। और नेक्स्ट है आपका कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना, जब खाने को अच्छे से पकाते हैं उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं ज्यादातर। आगे क्या है, तीसरे नंबर पे ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पिए ताकि उसके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। फोर्थ में क्या है, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रिवेंशन, अब यही चीज दवाई, मतलब दवाई कह रहा हूँ, वैक्सीन लगा दी है जिसकी वजह से बॉडी सक्षम हो जाए लड़ने के लिए उससे। नेक्स्ट आपका टाइफाइड, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाटर से फैलता है वो मेनली, प्राइमरीली पानी में ही होता है सेलमोनेला टाइफी, जिसकी वजह से इंसान को टाइफाइड हो जाता है। सोल्यूशन यही है जो मैंने बताया, 4 पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, किस चीज से होता है बीमारी, वायरस से होती है, वाटर के जरिए फैलता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर भी लिया। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीन ले लीजिए। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, मॉस्किटोस से होता है, ठीक है, इसलिए बोलता है मलेरिया का इलाज क्या है, मॉस्किटोस को दूर रखो अपने पास से। इसका सॉल्यूशन क्या है, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट, मॉस्किटोस से बच के रहो, है ना। नेक्स्ट है स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, मच्छरों को मार दो, जरा मच्छरों से बच के रहो और मच्छरों को मार दो। तीसरे पॉइंट पे डिस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब वो जगह जहाँ पे पैदावार होती हो मॉस्किटोज की, जैसे कि आपका कूलर जिसके अंदर पानी हो, जहाँ पे भी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी हो, उन सब जगहों को जरा हटा दो अपने आसपास से। आगे है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, इसका मतलब है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बाकी एनिमल्स को भी फैलते हैं। जैसे कि ये देखिए एंथ्रेक्स फैलाने वाली एक जो है ना बैक्टीरिया, ये क्या करती है, एंथ्रेक्स की परेशानी किस चीज चीज को, ह्यूमंस को तो करती है, साथ साथ में कैटल जो है उनको भी ऐसा परेशान करती है। और क्या करती है, क्या कहते हैं उनके जो है ना मुंह को, ठीक है, और पैरों को, उनमें जो है डिजीज भर देती है, मतलब वहां पर वो इन्फेक्ट कर देती है कैटल्स को, ठीक है, कर देती है वायरस एक तरह का, है ना, मतलब कि जो कैटल्स